Hello dear students, welcome to Franklin Biology classes. This is Umar Ahad और हम पढ़ रहे हैं NCERT Biology class 11th के chapter से portion से बेटा हम chapter Animal Kingdom पढ़ रहे हैं और Animal Kingdom के अंदर अभी तक हमने basics of animal classification किया हुआ है and phylum Porifera, phylum Coelenterata, Ctenophora and last class में बेटा हमने phylum Flathelminths के बारे में पढ़ा था। तो वो हमारा प्रीवियस क्लास था फ्लैट हेलमेंट्स, और जहाँ पे हमने बेटा फ्लैट हेलमेंट्स के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़े थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बेटा उनके डिस्कवरी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, जैसे हमने बोला था कि हेलमेंटोलॉजी स्टडी ऑफ वर्म्स को बोलते हैं, रिबन लाइक होते हैं, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेनड होते हैं, दैट मीन्स इसी वजह से बेटा उनको फ्लैट वर्म भी बोला जाता है। हमने गिगेनबोर एंड क्लाउस का नाम बोला था जिन्होंने टर्म फ्लैट हेलमेंट्स दिया था। हमने देखा था वो मोस्टली एंडोपैरासिटिक होते थे, ब्लैंड से एक बॉडी प्लान होता था। बिगिनिंग ऑफ सिफिलाइजेशन जो है वो प्लेट हेलमेंट से ही हुआ, पहली बार हेड का फॉर्मेशन प्लेट हेलमेंट्स के अंदर ही हुआ था। बॉडी अनसेगमेंटेड होती थी, तो हमने प्लेनेरिया एंड फेसिकुला का एग्जाम्पल दिया था, लेकिन कुछ के अंदर बॉडी सेगमेंटेड होती है लेकिन सेगमेंट्स फॉल्स होते हैं, जिन फॉल्स सेगमेंट्स को हम सूडोमेटामर्स और स्ट्रोबिलेशंस बोलते हैं, जो टीनिया में देखने को मिलता था। बायोलेटरल फर्स्ट एनिमल जिन्होंने बायोलेटरल सिमेट्री दिखाया था, फर्स्ट एनिमल जो ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, लेकिन ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट्स होते हैं, याद रख लेना, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट एनिमल्स, इनके अंदर ट्रू सिलोम, सॉरी इनके अंदर सिलोम एब्सेंट होता है, इनके अंदर सिलोम नहीं पाया जाता है, और ये पहले एनिमल्स थे जिन्होंने ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाया था। हुक्स एंड सकर्स पाए जाते थे बिकॉज ये पैरासाइट्स होते हैं। एक्सक्रीशन के लिए फ्लैम सेल्स पाई जाती थी जिनको हम सोलेनोसाइट्स या प्रोटोनेक्टेरिया भी बोलते हैं। बॉडी के अंदर हेड जो होता है वो एंटीरियर एंड पे होता है, मतलब आगे वाले एंड पे होता है। नर्वस सिस्टम जो है वो लैडर लाइक होता है, ये भी हमने देखा था, जिसमें दो लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स होते थे एंड बहुत सारे ट्रांसवर्स कमिश्योर्स होते थे। सेंस ऑर्गन्स की बात हमने करी थी, तो बेटर डेवलप्ड होते थे फ्री लिविंग फॉर्म में और एबसेंट होते थे पैरासिटिक फॉर्म्स में। हमने बॉडी वॉल का बात करा था, तो बॉडी वॉल में दो लेयर्स होती थी, आउटर एपिडर्मिस एंड इनर मस्कुलर लेयर, और एपिडर्मिस के अंदर जो थी वो सिंसेशियल, मतलब सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस था, और सिंसेशियल नेचर का था, मतलब मल्टी न्यूक्लेटेड था। ये हम आगे निमेटहेलमिंथा में भी सेम करेक्टर देखेंगे। मसल्स तीन प्रकार की होती थी, लॉन्गिट्यूडिनल, ओब्लिक एंड सर्कुलर, लेकिन आज जब हम निमेटहेलमिंथा पढ़ेंगे वहां पे एक ही मस्कुलर लेयर पाया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा हमने इंटेगमेंट की बात करी थी जो सिकुलरोप्रोटीन से बनता था, हमने पैरेन्काइमा की बात करी थी, हमने सूडो मेटामेरिज्म की बात करी थी, एंड इसके अलावा हमने रिसेप्टर्स की बात करी थी, हर्मोफ्रोडाइट नेचर का बात करा था, डैश एंड डैश एंड डैश। तो ये हमने बहुत कुछ जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हमने पढ़ी थी किसके बारे में, प्लेट हेलमेंथा के बारे में। सो आफ्टर कम्प्लीटिंग प्लेट हेलमेंथा आई होप आपने वो समझ लिया होगा और आप क्वेश्चन भी साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं। आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू क्वेश्चन इन द कमिंग लेक्चर इनशाला। अब आगे जो हम पढ़ेंगे बेटा वो है इम्पोर्टेंट पोर्शन एंड नेक्स्ट फाइलम है बेटा इनवर्टेब्रेट पार्ट का या नॉन कॉर्डेट पार्ट का नेक्स्ट फाइलम है। फाइलम का नाम है फाइलम एस्केलेमेंट्स और निमेटहेलमेंट्स, क्लियर है ना। अगर हम निमेटहेलमेंट से नीमा की बात करें तो नीमा का मतलब होता है थ्रेड एंड हेलमिन का मतलब होता है वर्म, मतलब निमेटहेलमेंथा जो है ये थ्रेड लाइक वर्म्स होती है, ठीक है। थ्रेड लाइक वर्म का मतलब क्या हुआ, ये गोल आकार या राउंड शेप्ड वर्म्स होती है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि प्लेट हेलमेंथा हमने देखा था वो फ्लैट वर्म्स होती थी बिकॉज उनका डॉर्सल एंड वेंट्रल एंड चिपक जाता था आपस में। देखिए इनके सब निमेट हेलमेंथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इनका डॉर्सल एंड वेंट्रल एंड अलग अलग होगा एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा होगा, सर्कुलर होगा या सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा। इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, हम थ्रेड लाइक वर्म्स बोलते हैं, या शॉर्ट में अगर मैं बोल दूं इनको हम राउंड वर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। फ्लैट हेलमेंथा को हम फ्लैट वर्म्स बोलते थे और उनमें एक एग्जांपल था टेप वर्म, उसका तो टेप वर्म इज अ एग्जांपल ऑफ फ्लैट हेलमेंट्स, उसको यहाँ से कंफ्यूज नहीं करना। और राउंड वर्म क्या है, राउंड वर्म इज अनदर नेम ऑफ कंप्लीट फाइलम निमेट हेलमेंट्स, क्लियर है ना। एस्केलेमेंट्स इनको क्यों बोला जाता है, एस निकला है एस्कॉस से, ASKOS, एस्कॉस का मतलब होता है कैविटी, यानी इनकी बॉडी के अंदर क्या मिलेगा, कैविटी मिलेगा, कौन सा कैविटी, सिलोम का कैविटी मिलेगा। अगर आपको याद हो प्लेट हेलमेंथा में हमने देखा था वो एसिलोमेट्स होते थे, उनमें कैविटी होता ही नहीं था, तो पहली बार कैविटी कहाँ पे डेवलप हुआ, पहली बार सिलोम कहाँ पे डेवलप हुआ, वो निमेटहेलमेंट्स के अंदर। हालांकि वो सिलोम ट्रू सिलोम नहीं था, वो सीडोसिलोम था, लेकिन फिर भी पहली बार सिलोम का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, निमेटहेलमेंट्स के अंदर हुआ, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एस्केलेमेंट्स भी बोला जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे फाइलम एस्केलेमेंथ को एस्केलेमेंथ क्यों बोला जाता है,
तो एस्केलमेंट इसलिए बोला जाता है बिकॉज एस्क निकला है एस्कॉस से, ASQOS। एस्कॉस का मतलब होता है कैविटी, कैविटी का मतलब हुआ कि ये फर्स्ट एनिमल्स है जिनके अंदर कैविटी डेवलप हुआ, एंड दे आर द फर्स्ट सूडो सिलोमेट, या आई कैन से ओनली सूडो सिलोमेट एनिमल्स। बेटा ये वो एनिमल्स है जिनके अंदर क्या पाया जाता है, सूडो सिलोम पाया जाता है। नेमेट हेलमन था, इनको क्यों नाम दिया गया, नीमा का मतलब होता है थ्रेड, हेलमेन का मतलब होता है वर्म, दैट मीन्स थ्रेड लाइक वर्म, या आप बोल सकते हो राउंड वर्म भी इनको बोला जाता है। क्लियर है ना, देख लेते हैं हम क्या बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में क्लियरली, आप देख सकते हैं अगर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है बच्चा, ठीक है ना, तो डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक निमेट हेलमेंथा का डायग्राम है। तो आप देख सकते हो कि इसकी बॉडी कैसी है बेटा, सर्कल राउंड शेप्ड बॉडी, मतलब सिलेंड्रिकल बॉडी। तो जब हमने इसकी बॉडी को कट कर दिया तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें डॉर्सल एंड वेंट्रल एंड अलग अलग है, ठीक है, सेपरेटेड डॉर्सल एंड वेंट्रल एंड से। ओवरऑल बॉडी कैसी है, सर्कुलर बॉडी है, यही रीजन है बेटा इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम राउंड वर्म्स भी बोलते हैं। क्लियर है ना, ये यहाँ पे लिखा क्या है उस पर आप मत जाइए, ये अलग भाषा में लिखा है, बस अभी आप इतना याद रख लीजिए कि ये हमने लास्ट क्लास में देखा था प्लेट हेल में तो वो फ्लैट होती थी, लेकिन ये राउंड है। तो अगर आप इनका डायसेक्शन करेंगे तो आफ्टर डायसेक्टिंग द बॉडी तो इनकी बॉडी कैसे दिखाई देती है, गोल आकार की दिखाई देती है, यही रीजन है इनको हम क्या बोलते हैं, राउंड वर्म्स बोलते हैं। चलिए, निमेट हेलमन था मैंने बोला था थ्रेड के समान होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी बॉडी किसके जैसे एक थ्रेड के समान होती है बेटा, ठीक है ना, पूरी एक लंबी सी बॉडी और थ्रेड के समान है, ये भी इनका करेक्टर, इस वजह से इनको निमेट हेलमन था भी बोला जाता है। यहाँ पे आपको और एक चीज याद है, वो हम आगे पढ़ेंगे, फिर भी यहाँ पे डायग्राम दिया तो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमने प्लेट हेलमन था जो पढ़ा था, तो मैंने बोला था वो हर्मोफ्रोडाइट्स होते थे। हर्मोफ्रोडाइट मतलब का मतलब है वहां पे एक ही इंडिविजुअल के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। देखिए इनके सब प्लेट हेलमेंट्स बड़े, यहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा, मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बेटा इंडिविजुअल जो है बेटा फीमेल अलग है और मेल अलग है, ठीक है ना। और दूसरी चीज आपको दिखाई देगी कि मेल जो होते हैं उनकी लेंथ लंबी होती है, ठीक है ना, या फीमेल जो होते सॉरी फीमेल जो होती है फीमेल्स की लेंथ लंबी होती है, एंड मेल्स की लेंथ क्या होती है, शॉर्ट होती है, ठीक है ना। तो ये करेक्टर होता है बेटा कि इनका निमेट हेलमेंट्स का, इनमें मेल जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, फीमेल जो होती है बेटा वो लॉन्ग होती है। एंड मेल्स के अंदर और एक चीज पाया जाता है कि इनका जो पोस्टीरियर एंड होगा, मतलब एनस वाला एंड होगा, वो कैसा होता है, वो कर्वड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड जो है बेटा ये कर्वड है, ये मेल्स का करेक्टर होता है। ये हम आगे दोबारा से पढ़ेंगे, यहाँ पे बस डायग्राम दिया था इसलिए मैंने इसके बारे में थोड़ा बता दिया। तो याद रखना प्लेट हेलमेंथा जो थे, प्लेट हेलमेंथा के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं देखने को मिलता था, निमेट हेलमेंथा के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। प्लेट हेलमेंथा के अंदर मेल एंड फीमेल अलग अलग नहीं थे, लेकिन निमेट हेलमेंथा के अंदर मेल्स अलग होते हैं और फीमेल्स अलग होती थी। वहां पे हमने एक एग्जांपल देखा शाइसिस्टोमा, जहाँ पे मेल एंड फीमेल अलग अलग होते, वो एक एक्सेप्शन था, लेकिन ओवरऑल मेल एंड फीमेल वहां पे अलग अलग नहीं होते, लेकिन यहाँ पे हर जगह पे आपको मेल अलग मिलेगा और फीमेल अलग मिलेगा, ठीक है। मेल्स शॉर्टर एंड कर्वड एंड होता है, फीमेल जो होती है बेटा वो लॉन्गर होती है और उनमें कोई कर्वड एंड देखने को नहीं मिलता है। क्लियर है ना। और एक चीज याद रखेंगे, जब हमने प्लेट हेलमेंथा पढ़ा था तो वहां पे हमने बोला था माउथ वेंट्रल साइड में होता है, लेकिन इनका माउथ जो होता है ना वो एकदम टिप पे, अगर आप देख सकते बॉडी का आगे वाला एंड है, ये हेड वाला एंड है, ऐसे देख लीजिए, दिस इज द हेड एंड, आगे फर्स्ट एंड। अब इस हेड एंड को अगर मैं यहाँ पे मैग्नीफाई कर दूं, ये हमने इसको यहाँ पे मैग्नीफाई कर दिया, तो यहाँ पे आपको माउथ कहाँ पे दिखाई देगा, एकदम बॉडी के टिप पे दिखाई देगा। तो ये टिप ऑफ बॉडी है, तो एकदम एंटीरियर एंड पे पाया जाता है माउथ, एंड माउथ के पास कुछ एलिवेशन होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, लिप्स बोलते हैं। एक होता है डॉर्सल लिप और एक होता है वेंट्रल लिप। मतलब अगर ये बॉडी अगर आप देखेंगे इसकी निमेट हेलमेंथा की, तो इमेजिन कर लो ये राउंड स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको राउंड स्ट्रक्चर दिखाई दे, ये ऊपर वाला एंड है और ये नीचे वाला एंड है। तो एक लिप होगा ऊपर वाले एंड पे जिसको हम बोलेंगे डॉर्सल लिप, और एक लिप होगा नीचे वाले एंड पे जिसको हम वेंट्रल लिप बोलेंगे। तो दो लिप्स होती है, डॉर्सल लिप्स एंड वेंट्रल लिप्स, ये याद रखना है। अब लिप्स इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज हम आगे सेंस ऑर्गन्स की बात करेंगे तो वहां पर लिप का याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है ना। चलिए तो हम देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो हम फर्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जहां पे हम डिस्कवरी के बारे में और कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे। चलिए तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको याद रखना है रिगार्डिंग प्लेट निमेट हेलमेंट्स इज, इनको हम राउंड वर्म्स बोलते हैं बिकॉज बॉडी जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, इनमें कोई सेगमेंटेशन नहीं देखने को मिलता, ये अनसेगमेंटेड होती है, एंड एंड्स टैपरिंग होते हैं। टैपरिंग एंड का मतलब क्या हुआ, अगर आप ये डायग्राम देखेंगे टैपरिंग एंड का मतलब क्या हुआ, आप देख सकते हैं ये इसका आगे वाला पीछे वाला एंड है, ये इसका आगे वाला एंड है,
और दोनों जगह पे एंड्स कैसे है, पॉइंटेड एंड्स है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पॉइंटेड नेचर दिखाई दे रहा है, इधर भी नीचे पॉइंटेड नेचर दिखाई, बोथ आगे वाले एंड पे एंड पीछे वाले एंड पे। तो ये पॉइंटेड नेचर जो होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम टेपरिंग नेचर बोलते हैं। तो याद रखना है प्लेट हेलमेंसा की बॉडी राउंड राउंड शेप्ड होती है, सर्कुलर बॉडी होती है, राउंड शेप्ड होती है, अनसेगमेंटेड होती है, एंड दोनों एंड्स कैसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। पॉइंटेड एंड्स को हम टेपरिंग एंड्स बोलते हैं। ये जिपमर के लिए याद रखेंगे या बाकी एग्जाम्स के लिए याद, नीट में तो ऐसे नहीं पूछा जाता है, फिर भी याद रखेंगे। टर्म निमेट हेलमेंथा जो है बेटा वो किसने दिया, वो ग्रब्बन ने दिया है, एंड टर्म एस्क हेलमेंथ जो है बेटा वो किसने दिया है, गेगन बोर ने दिया है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बॉडी इज, अब हम आते हैं बॉडी के फीचर की तरफ। प्लेट हेलमेंथा की बॉडी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटनेड थी, लेकिन निमेट हेलमेंथा आप देख सकते हैं द बॉडी इज राउंड और सर्क्यूलर इन क्रॉस सेक्शन, हिंस द नेम राउंड ओवल। बॉडी जो होती है बेटा वो सर्कुलर और राउंड होती है। अगर आप इनकी बॉडी को काटेंगे, जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था, जब हम बॉडी को काटते हैं तो उनकी बॉडी कैसी होती है बेटा, एकदम सर्कुलर बॉडी होती है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, राउंड वर्म्स बोलते हैं। दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, मतलब ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, ये एक्वाटिक हो सकते हैं, ये टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, या ये पैरासाइट्स हो सकते हैं। ये फीचर हमने वहां पे नहीं देखा था, ये हमने प्लेट हेलमेंथा में नहीं देखा था। प्लेट हेलमेंथा की जब हम बेटा हैबिटेट की बात कर रहे थे, तो वहां पे मोस्टली क्या देखा था हमने, दे वर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स। हालांकि वहां पे फ्री लिविंग फॉर्म्स आपको देखने को मिलेगी, लेकिन मोस्टली कैसे होते थे बेटा, मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते थे एंड एक्वाटिक होते थे। वहां पे आपको कोई टेरेस्ट्रियल फॉर्म देखने को नहीं मिलेगा। ये मैं बार बार प्लेट हेलमेंथा क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज इन दोनों का डिफरेंस याद रहना चाहिए। अगर आपका इनका डिफरेंस याद है तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंस याद नहीं रखोगे तो बहुत सारे बच्चे दोनों में कंफ्यूज होकर क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो फिर से मैं बता देता हूँ, हमने जो प्लेट हेलमेंथा पढ़ा था, तो प्लेट हेलमेंथा के अंदर मैंने आपको बोला था प्लेट हेलमेंट्स आर फ्री लिविंग बट मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते थे, और वहां पे कोई फॉर्म टेरेस्ट्रियल नहीं होता है। वहां पे सब कैसे होते थे, वहां पे सब एक्वाटिक होते थे, याद रखना है। निमेट हेलमेंथा में फ्री लिविंग भी है, एक्वाटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है और पैरासाइटिक भी है। और इंपॉर्टेंट फीचर और एक याद रखना है, जब हमने प्लेट हेलमेंथा की बात करी थी, वहां पे पैरासाइट्स होते थे, लेकिन वो ओनली एनिमल्स के पैरासाइट्स होते थे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पैरासाइट्स है बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स के। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है, याद रखना, ठीक है ना। तो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट डिफरेंस के लिए एंड एसोसिएशन रीजन के लिए। तो याद रखना है, ये फ्री लिविंग होते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, और पैरासाइटिक खाली एनिमल पे नहीं होते हैं, ये प्लांट्स पे भी पैरासाइट्स का काम करते हैं। चलिए, नोट, मोस्टली एंडोपैरासाइट्स, ये मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं, जैसे हमने देखा पैरासाइट्स मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं, एक्सेप्ट डेस्मोसुकोलेक्स एंड रैबिडाइट्स विच आर फ्री लिविंग। तो ये एग्जाम्पल याद रखना है कि फ्री लिविंग कौन कौन सा होता है। तो फ्री लिविंग होते हैं दो, एक होता है डेस्मोसुकोलेक्स एंड दूसरा होता है रैबिडाइट्स। तो प्लीज इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम के लिए, तो ये भी आप याद रखेंगे, क्लियर है ना। चलिए, हमने जो प्लेट हेलमेंथा पढ़ा था, तो प्लेट हेलमेंथा में मैंने आपको बोला था कि वो पहले एनिमल्स थे जिनके अंदर क्या हुआ था, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। लेकिन जब आप निमेट हेलमेंथा में आएंगे, ये मॉडिफाई हो गए और ज्यादा, और इन्होंने क्या डेवलप किया, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया। तो प्लीज याद रखेंगे, द फर्स्ट एनिमल्स विच हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर, तो याद रखना है, दे आर प्लेट हेलमेंट्स। द फर्स्ट एनिमल्स विच हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो कौन से होते हैं, वो होते हैं निमेटिक हेलमेंट्स। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, एग्जामिनर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, एनिमल्स हैविंग बायलैटरल सिमेट्री, एनिमल्स हैविंग बायलैटरल सिमेट्री, एसिलोमेट एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर, तो याद रखना है, दे आर प्लेट हेलमेंट्स। एनिमल्स हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्री एंड सूडोसोलोमेट्स आर, तो याद रखना है, वो होते हैं निमेट हेलमेंट्स, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट, ये आप याद रखेंगे, इनमें ऑर्गन सिस्टम, फर्स्ट एनिमल जिनके अंदर ऑर्गन सिस्टम डेवलप हुआ वो निमेट हेलमेंट थे। बायोलेटरल सिमेट्री तो पहले ही हमने कल पढ़ी थी, ठीक है, तो ये इसका सेकंड कैरेक्टर, दे आर बायोलेटरली सिमेट्रिकल। अगर आपको प्लेट हेलमेंट की कल की क्लास याद हो, तो मैंने बोला था उनमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है, उनमें माउथ होता है लेकिन एनस नहीं होता, लेकिन इनके सब निमेट हेलमेंट्स, यहाँ पे माउथ भी मिलेगा और एनस भी मिलेगा, दैट मीन्स दे हैव ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो फर्स्ट एनिमल्स जिनके अंदर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान डेवलप हुआ वो कौन थे, वो थे निमेटी हेलमेंट्स, क्लियर है ना। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये हमने कल ही देखा है, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन फॉर द नीट, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट, दिस पॉइंट,
एंड दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर नीड, दे आर सूडो सिलोमेट्स. हमने अभी देखा था ना इनको एस क्यों बोलते हैं, बिकॉज इनमें कैविटी पाया जाता है, सिलोम पाया जाता है, लेकिन इनका सिलोम ट्रू सिलोम नहीं होता. यहाँ पे आपको म्यूजोडोरम मिलेगा, लेकिन म्यूजोडोरम पूरी कैविटी को लाइन नहीं करता है, तो इसलिए ये सिलोम कैसा होता है, ये सूडो सिलोम होता है, ठीक है ना. और इस सूडो सिलोम के अंदर फ्लूइड मिलेगा, जिस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, सूडो सिलोमिक फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है ना. और इसी सूडो सिलोमिक फ्लूइड को हम हाइड्रोलिप का भी नाम देते हैं, ठीक है ना. तो याद रखना, हाइड्रोलिप किन में मिलता है, निमेटे हेलमेंट्स के अंदर. हाइड्रोलिप क्या होता है, वो सूडो सिलोमिक फ्लूइड होता है. किसके अंदर, सूडो सिलोम के अंदर. दैट मीन्स अगर मैं पूरे पोर्शन को कवर अप कर दूं, तो अगर हम इम्पोर्टेंट फीचर्स याद रखें ऑफ निमेटे हेलमेंट, तो हम बोल सकते हैं निमेटे हेलमेंट्स आर द एनिमल्स विच आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान एंड आर सूडो सिलोमेट्स. तो ऑर्गन लेवल याद रखना है एग्जाम के लिए, ट्यूब विद इन ट्यूब याद रखना है एग्जाम के लिए, एंड सूडो सिलोमेट का नेचर याद रखना है एग्जाम के लिए. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है. तो अगर हम कंपेरिजन देखें, तो प्लेट हेलमेंथा होते हैं ऑर्गन लेवल, निमेटे हेलमेंथा होते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल. प्लेट हेलमेंथा बायलेटरली सिमेट्रिकल, निमेटे हेलमेंथा बायलेटरली सिमेट्रिकल. प्लेट हेलमेंथा ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, निमेटे हेलमेंथा ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. प्लेट हेलमेंथा ट्रिप्लोब्लास्टिक, निमेटे हेलमेंथा ट्रिप्लोब्लास्टिक. प्लेट हेलमेंथा ए सिलोमेट्स एंड निमेटे हेलमेंथा सूडो सिलोमेट्स, ठीक है ना. याद रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. चलिए, तो हमने अभी देखा ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, दैट मीन्स माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट है. अगर माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट है, तो ऑटोमेटिकली डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना. और इस कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में ये एनसीईआरटी का लाइन है, याद रखना है, इसमें मस्कुलर फेरिंक्स होता है एंड टर्मिनल माउथ होता है. जैसे मैंने आपको अभी बोला था, माउथ नीचे नहीं होगा, माउथ ऊपर नहीं होगा, मतलब माउथ वेंट्रल साइड में नहीं होगा, माउथ डॉर्सल साइड में नहीं होगा, एकदम टिप पे होगा माउथ. इसलिए माउथ कैसा होता है, टर्मिनल माउथ होता है, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट है. प्लेट हेलमेंथा का माउथ कैसा होता था, वेंट्रल होता था, लेकिन इनका माउथ कैसा है, इनका माउथ टर्मिनल है. एक्सक्रीशन प्लेट हेलमेंथा में हमने देखा था एक्सक्रीशन फ्लेम सेल से होती है, लेकिन यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी ट्यूब्स होते हैं. तो एक्सक्रीशन ऑकर्स थ्रू इंट्रासेलुलर एक्सक्रीटरी ट्यूब्स, इनके अंदर एक्सक्रीटरी ट्यूब्स पाए जाते हैं विच रिमूव वेस्ट फ्रॉम बॉडी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर. जो बाद में बेटा कलेक्शन करेंगे एक्सक्रीटरी ट्यूब्स, ठीक है ना, और बाद में बॉडी से बाहर कहाँ से आएगा, स्मॉल पोर्स से आएगा, जिन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी पोर्स बोलते हैं. ये अमोनोटेलिक होते हैं एज वेल एज यूरोटेलिक होते हैं. अगर एक्वेटिक होंगे तो मोस्टली अमोनोटेलिक होंगे, लेकिन अगर टेरेस्ट्रियल होंगे तो ये यूरोटेलिक नेचर दिखाते हैं. इनमें सर्कुलेशन जो होता है वो एक फ्लूइड से होता है, जिसको हम सूडो सिलोमिक फ्लूइड बोलते हैं. जो हमने अभी देखा था यहाँ पे सूडो सिलोम हमने पढ़ा था, सूडो सिलोम में जो ये सूडो सिलोमिक फ्लूइड होता है ना, यही बॉडी में रोटेट करेगा, यही बॉडी में मूव करेगा, और यही क्या करता है, यही एक्ट करता है एज सर्कुलेटरी फ्लूइड. तो आपने फर्स्ट स्लाइड के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें जो याद रखी, आपने याद रखा कि निमेटे हेलमेंट्स जो होते हैं, निमेटे हेलमेंट्स के अंदर हैबिटेट की अगर बात करें, ये एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, पैरासिटिक है, फ्री लिविंग है. पैरासाइट की अगर बात करें तो मोस्टली होते हैं एंडोपैरासाइट्स, ठीक है ना. और फ्री लिविंग फॉर्म में आपने एग्जाम्पल याद रखी दो की. इसके अलावा आपने याद रखा बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सीलो सूडो सिलोमेट्स होते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, ठीक है, और सूडो सिलोमिक सर्कुलेशन भी ये दिखाते हैं. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जिनको आपको याद रखना है. और ये जो डायग्राम यहाँ पे दिया है, ये एक्सक्रीटरी ट्यूब का डायग्राम दिया है, क्लियर है ना. चलिए बच्चा आगे बढ़ेंगे. तो यहाँ पे आप आते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वो है बॉडी वॉल ऑफ प्लेट हेलमेंट्स, सॉरी बॉडी वॉल ऑफ निमेटे हेलमेंट्स. अब बॉडी वॉल में आपको याद क्या रखना है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ मेजर पोर्शन को. तो ये हम फर्स्ट पोर्शन हाईलाइट करें यहाँ पे ब्लू कलर से, या पूरा पोर्शन ब्लू कलर से हम हाईलाइट कर रहे हैं. ये पोर्शन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट पार्ट ऑफ बॉडी वॉल को, ठीक है. इसको अगर मैं हाईलाइट कर दूं थोड़ा, ये जो ब्लू वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट पार्ट ऑफ बॉडी वॉल को. और इस फर्स्ट पार्ट ऑफ बॉडी वॉल को हम क्या बोलते हैं, हम क्यूटिकल बोलते हैं, ठीक है ना. तो मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्यूटिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है. एक्चुअल में क्या होता है, निमेटे हेलमेंथा की बॉडी जो है ना, बॉडी वॉल में दो लेयर्स होती है. जैसे हमने प्लेट हेलमेंथा में भी देखा था, बॉडी वॉल में दो लेयर्स होती थी. एक लेयर होती थी बाहर वाली एपिडर्मिस, एंड अंदर वाली लेयर होती थी मस्कुलर लेयर. फिर मैंने आपको वहां पे बोला था एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होता है एंड सिंसेशियल होता है, एंड मसल्स तीन प्रकार के होते हैं, ओब्लिक, लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर. सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे है, लेकिन एक मेजर डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है वो आपको याद रखना है, बाकी कुछ है नहीं. देखो बेटा,
ये लेयर जो आपको दिखाई दे रहा है, जो मैं रेड में हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज द एपिडर्मिस ऑफ निमेटहेलमिंथा। तो आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे एपिडर्मिस में मेनी लेयर्स नहीं है, एक सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस है। देख सकते हैं बेटा, ये सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। दिस होल पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस, दिस इज सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस। अब इस सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस में आपको कुछ डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं बीच बीच में, ठीक है ना। तो ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स जो है दे आर न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस है अंदर, तो मतलब आप देख सकते हैं एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड है, लेकिन इस सिंगल लेयर्ड में मेनी न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। दैट मीन ये कैसा है, ये मल्टी न्यूक्लियेटेड है और सिनसाइशियल है, जो हमने ऑलरेडी किसमें देखा है, जो हमने प्लेट हेलमेंथा में भी देखा था। तो निमेट हेलमेंथा का एपिडर्मिस एंड प्लेट हेलमेंथा का एपिडर्मिस एक ही जैसा है। वहां पे भी सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होता था, यहाँ पे भी सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस है। वहां पे भी सिनसाइशियल होता था, यहाँ पे भी सिनसाइशियल है। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि अगर आपको याद हो निमेट हेलमेंथा में मैंने बोला था पैरासिटिक फॉर्म्स के बाहर इंटेगमेंट पाया जाता है जो सिक्लेरोप्रोटीन से बनता है, याद है ना। लेकिन अगर आप निमेट हेलमेंथा में देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिक्लेरोप्रोटीन से बना हुआ इंटेगमेंट नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे क्यूटिकल मिलता है, दिस इज क्यूटिकल। तो ये सारे निमेट हेलमेंथा में मिलेगा आपको, चाहे वो पैरासाइट है, चाहे वो फ्री लिविंग है, चाहे वो कैसा है, वहां पे हर जगह पे आपको क्या मिलेगा, कवर ऑफ क्यूटिकल मिलेगा। अब एक क्यूटिकल है क्या, ये एक मटेरियल होता है जो बनता है केराटिन से, मैट्रिसिन से एंड कोलेजन से, हम अभी आगे पढ़ेंगे इसको। ये एक ऐसा मटेरियल है जो किससे बनता है, जो केराटिन से बनता है, केराटिन प्रोटीन से बनता है, कोलेजन प्रोटीन से बनता है एंड मैट्रिसिन, MATRI से मैट्रिसिन से बनता है। तो डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए याद रखेंगे। अगर हम बॉडी वॉल को कंपेयर करें प्लेट हेलमेंथा एंड निमेट हेलमेंथा में, तो प्लेट हेलमेंथा के बॉडी वॉल के अंदर हमेशा आपको एपिडर्मिस मिलेगा और तीन मस्कुलर लेयर्स मिलेगी। अगर प्लेट हेलमेंथा पैरासाइट है तो पैरासिटिक प्लेट हेलमेंथा के अंदर आपको बाहर इंटेगमेंट मिलेगा, फिर सिंगल फिर आपको तीन मस्कुलर लेयर्स मिलती है, इन केस ऑफ ओनली पैरासिटिक प्लेट हेलमेंथ। लेकिन निमेट हेलमेंथा में चाहे पैरासाइट हो, चाहे फ्री लिविंग हो, कैसा भी हो, हर जगह पे आपको क्या मिलेगा, बाहर एक प्रोटेक्टिव कवर मिलेगा, जिस प्रोटेक्टिव कवर को हम क्यूटिकल बोलते हैं। और ये क्यूटिकल बना होता है कोलेजन से, मैट्रिसिन से एंड केराटिन से। अब जैसे आप क्यूटिकल के नीचे आएंगे, फिर आपको मिलेगा सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस जो मल्टी न्यूक्लेटेड है, सिनसाइशियल है। जैसे भी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है सिनसाइशियल एपिडर्मिस है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। सिनसाइशियल एपिडर्मिस से अंदर आप आएंगे, इनसाइड द सिनसाइशियल एपिडर्मिस, फिर आपको फाइनली क्या दिखाई देगा, ये जो आपको यहाँ पे ये लेयर दिखाई दे रहा है, दिस इज मस्कुलर लेयर, ये बेटा मस्कुलर लेयर है, ठीक है ना। थर्ड वाली लेयर जो आपको यहाँ पे लेयर दिखाई दे रही है, दिस इज द मस्कुलर लेयर। और इस मस्कुलर लेयर का इंपॉर्टेंट फीचर क्या, अगर आपको प्लेट हेलमेंथा याद हो, वहां पे तीन मसल लेयर्स होती थी, सर्कुलर, ओब्लिक एंड लॉन्गिट्यूडिनल। लेकिन इन केस ऑफ निमेट हेलमेंथ ओनली वन मस्कुलर लेयर पाई जाती है, और वो क्या होता है, वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल होता है। यानी निमेट हेलमेंथा के अंदर सर्कुलर मसल्स एब्सेंट है, ओब्लिक मसल्स एब्सेंट है, ओनली कौन सी मसल्स पाई जाती है, ओनली लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स पाई जाती है, ठीक है ना। तो अगर मैं ओवरऑल फिर से एक बार रिपीट कर दूं, तो अगर हम ओवरऑल मैट्रिक्स की बात करें, तो मैट्रिक ओवरऑल एपिडर्म बॉडी वॉल की बात करें, तो बॉडी वॉल में दो लेयर्स है, एक है सेल्यूलर एपिडर्मिस लेयर एंड दूसरी है सेल्यूलर मस्कुलर लेयर। एंड एपिडर्मिस सिनसाइशियल है एंड सिंगल लेयर्ड है, मस्कुलर लेयर भी सिंगल लेयर्ड है, और उसमें खाली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है, बाकी कोई और मसल नहीं होता है। एंड आउटसाइड में क्या पाया जाता है, प्रोटेक्टिव कवर, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं, क्लियर है ना। दूसरा डायग्राम भी सेम चीज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यूटिकल शो हो रहा है, तो दिस इज क्यूटिकल, तो ये सबसे बाहर क्यूटिकल है। क्यूटिकल के बाद सिंगल लेयर्ड सिनसाइशियल एपिडर्मिस है, तो ये है सिनसाइशियल एपिडर्मिस इसके बाहर। फिर आपको सूडो सिलोम मिलेगा, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बोला है बेटा कि ये सिलोमेट्स तो है, लेकिन कैसे सिलोमेट्स है, सूडो सिलोमेट्स है, इनके अंदर फॉल्स सिलोम मिलेगा, ये हो गया सूडो सिलोम। उसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स मिलती है, तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स का लेयर, ठीक है ना। मैं आपको अभी बता रहा था एक्सक्रीटरी पोर, तो दिस इज एक्सक्रीटरी पोर बेटा, जो बॉडी से बाहर फिर खुलेगा, ये एक्सक्रीटरी कैनाल का एक्सक्रीटरी पोर है बेटा, ठीक है ना। एंड और एक चीज याद रखेंगे, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देख पा रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने दो साइड दिखाए, ये है बेटा डॉर्सल साइड एंड ये है बेटा वेंट्रल साइड। तो डॉर्सल साइड में भी एक नर्व कॉर्ड होगा एंड वेंट्रल साइड में भी एक नर्व कॉर्ड होगा। तो अगर आपको प्लेट हेलमेंथ याद हो, वहां पे हमने बोला था लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स होते हैं, लेकिन इनके सब निमेट हेलमेंथ बेटा यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड नहीं होते हैं, यहाँ पे आपको ओवरऑल चार नर्व कॉर्ड्स मिलेंगे। एक होगा बेटा ऊपर वाला डॉर्सल नर्व कॉर्ड,
एक होगा नीचे वाला जो होगा वेंट्रल नर्व कॉर्ड एंड साइड में होते हैं बेटे लेटरल नर्व कॉर्ड्स। तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम ज्यादा मॉडिफाई हो गया इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ प्लेट हेलमेंट्स। क्लियर है ना? तो ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए तो इसको आप बाद में देख लेना डायग्राम को और एक बार। चलिए तो देख लेते हैं हम क्या पढ़ रहे थे अभी बॉडी वॉल के बारे में। तो बॉडी वॉल इज तीन लेयर्स का है बेटा, आउटर क्यूटिकल, हाइपोडर्मिस और इसको एपिडर्मिस भी बोल सकते हैं, इनर मस्कुलर लेयर। क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ केराटिन, मैट्रिसिन एंड कोलेजन। इट इज हार्ड एंड परमेबल, ये हार्ड होता है नेचर में बेटा एंड परमेबल होता है। हाइपोडर्मिस सिंगल लेयर्ड होता है, मतलब एपिडर्मिस जो होता है। अब इसको हाइपोडर्मिस क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इसके ऊपर क्यूटिकल आ गया है ना हर जगह पे, इसलिए इसको हाइपोडर्मिस बॉडी यूज करें। ये सिंगल लेयर्ड होता है, सिंसाइशल होता है। मस्कुलर लेयर इज मेड अप ऑफ ओनली लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, तो मैंने पहले ही बोला यहाँ पे ऑब्लिगेट सर्कुलर नहीं होगा, ओनली लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स पाई जाती है। सेंस ऑर्गन्स आर कॉम्प्लिकेटेड एंड इन द फॉर्म ऑफ, तो कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम बिकॉज इसी के बेसिस पे हम प्लेट निमेट हेलमेंथा को क्लासिफाई करते हैं। दिस पोर्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो कौन कौन सा सेंस ऑर्गन होता है, ऑसिलाई होता है। अगर फ्री लिविंग फॉर्म है तो वो लाइट को डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज करता है, ऑसिलाई यूज करता है। अगर पैरासाइट है तो उसमें ऑसिलाई नहीं मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम बोथ दीज कॉमन क्वेश्चन, इसमें बहुत बार आपको मिलेंगे बेटा एम्फिड्स एंड फैजमिट्स में, ये सेंस ऑर्गन्स है। तो इनके बारे में याद क्या रखना है, लोकेशन एंड काम क्या करते हैं। तो एम्फिड्स प्रेजेंट होते हैं लिप्स, इसलिए मैंने वहां पे आपको लिप्स ऑलरेडी बता के रखा हुआ है। तो माउथ टर्मिनल होता था, एक डॉर्सल लिप है, एक वेंट्रल लिप है। तो एम्फिड्स कहाँ पे मिलते हैं बेटे, ये लिप्स के ऊपर मिलते हैं, मतलब ये बॉडी के आगे साइड में मिलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटे, याद रखना है। और इनका नेचर क्या होता है, ये ऑलिफैक्टरी कीमोरिसेप्टर्स होते हैं। ऑलिफैक्टरी का मतलब हुआ बेटा ये स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हैं, कीमो मतलब बेटा ये केमिकल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम ओवरऑल फंक्शन देखेंगे तो दे आर टेस्ट रिसेप्टर्स बेटा, ये चीजों को टेस्ट करने में क्या किए जाते हैं, यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो एम्फिड्स के बारे में आप लोकेशन याद रखेंगे एंड नेचर क्या होता है इनका। फैजमिट जो होते हैं बेटा, ये यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होते हैं, सिचुएटेड ऑन ईच साइड ऑफ टेल बिहाइंड एनस। दैट मींस एम्फिड्स आगे बॉडी के हैं, फैजमिट्स बॉडी के पीछे साइड में। एम्फिड्स माउथ के साइड में है, फैजमिट्स एनस के साइड में। क्लियर है ना? ये पिट लाइक कीमोरिसेप्टर्स होते हैं एंड ये मदद करते हैं किसमें, मेटिंग में। तो एम्फिड्स हेल्प करते हैं टेस्ट डिटेक्शन में एंड फैजमिट्स हेल्प करते हैं मेटिंग में। एम्फिड्स प्रेजेंट होते हैं लिप्स पे, फैजमिट्स प्रेजेंट होते हैं एनस के पास, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। नर्वस सिस्टम की भी हम बात करें तो मैंने बोला था आपको बेटा नर्वस सिस्टम में चार नर्व कॉर्ड्स होते थे, जिसमें से दो मेजर थे वेंट्रल एंड डॉर्सल। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जब मान लो फॉर बेटा ये एक प्लेट हेलमेंट निमेट हेलमेंट था, ऐसा है दिस इज अ निमेट हेलमेंट था। तो जब इसका नर्वस सिस्टम हेड से शुरू होगा, तो मान लो ये इसका हेड वाला पार्ट है, यहाँ से नर्वस सिस्टम शुरू हो रहा है, तो इस पॉइंट में बेटा हेड में क्या होता है, एक रिंग होता है, नर्वस टिश्यू का एक रिंग होता है। इस रिंग से फिर क्या निकलेगा, ऊपर साइड में एक नर्व कॉर्ड निकलेगा, नीचे साइड में एक नर्व कॉर्ड निकलेगा, ठीक है ना। एंड लैटरल साइड में बेटा, अगर मैं यहाँ पर लैटरल ऐसे बना दूं समझने के लिए, तो लैटरल साइड में क्या निकलेंगे, दो नर्व कॉर्ड्स निकलेंगे। मान लो ये सेंटर वाला लैटरल समझा रहा हूं मैं, तो लैटरल साइड में दो नर्व कॉर्ड्स निकलेंगे, तो टोटल चार नर्व कॉर्ड्स हो गए। जो ऊपर वाला नर्व कॉर्ड आपको दिखाई दे रहा है बेटा, दिस वन जो बॉडी के अपर साइड में होगा इसको हम डॉर्सल नर्व कॉर्ड बोलेंगे, जो बॉडी के लोअर साइड में होगा इसको वेंट्रल नर्व कॉर्ड बोलेंगे, और जो बेटा सेंटर में है, जो साइड में है दोनों, इनको हम क्या बोलते हैं, लैटरल नर्व कॉर्ड्स बोलते हैं। ये सारे नर्व कॉर्ड जनरेट कहाँ से हुए, ये बेटा इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर से जनरेट हुए, जिस रिंग को हम क्या बोलते हैं, ये हेड में पाई जाती है रिंग, इसको हम सर्कमफेरेंजियल रिंग बोलते हैं। यानी निमेट हेलमेंथा के नर्वस सिस्टम को अगर मैं कंक्लूड कर दूं, तो हम बोल सकते हैं निमेट हेलमेंथा के नर्वस सिस्टम में सर्कमफेरेंजियल रिंग हेड में होता है, फिर बॉडी के अपर साइड में डॉर्सल, लोअर साइड में वेंट्रल एंड लैटरल साइड में दो लैटरल नर्व कॉर्ड्स पाए जाते हैं, तो ओवरऑल चार नर्व कॉर्ड्स हो गए, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट लेकिन इसमें है बेटा वेंट्रल एंड डॉर्सल। चलिए तो देख लेते हैं। तो नर्वस सिस्टम इज वेल डेवलप्ड मतलब बेटर देन द प्लेट हेलमेंट्स, मेड अप ऑफ सर्कमफेरेंजियल रिंग, इसमें सर्कमफेरेंजियल रिंग होगा हेड में, विच गिव्स, जिसकी वजह से बाद में क्या निकलता है, डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड निकलता है, which are connected by connectives, commissures भी बोल सकते हैं, connectives भी बोल सकते हैं। याद रखना दो ही नहीं है, चार है, लेकिन NCERT ने mention दो किया तो हम दो ही याद रखेंगे। They show sexual reproduction, बेटा ये sexual reproduction दिखाते हैं, male and female अलग अलग होता है, जैसे हमने पहले ही देखा है, sexes separate होते हैं, मतलब male अलग है female अलग है, इसको हम dioecious condition भी बोलते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज सीन, आपको मेल एंड फीमेल में डिफरेंस देखने को मिलेगा, जैसे एग्जाम में ये पूछा जाता है, जैसे ऑफन मेल्स आर लॉन्गर देन फीमेल, सॉरी यहाँ पे उल्टा है बेटा, ये गलत हुआ है,
फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, फीमेल जो होती है बेटा वो लंबी होती है, किन से? मेल से. एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ मेल इज कर्वर्ड व्हाइल फीमेल इज स्ट्रेट. तो मेल का पोस्टीरियर एंड जो होता है बेटा वो कर्वर्ड होता है, ठीक है ना. एंड फीमेल का कैसा होता है? स्ट्रेट होता है. अब मेल का पोस्टीरियर साइड कर्वर्ड क्यों होता है? बिकॉज वहां पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम पिनाइल स्पाइक्यूल बोलते हैं, जो मतलब मेटिंग में मदद करता है. तो बिकॉज ऑफ पिनाइल स्पाइक्यूल वो क्या हो जाता है? वो कर्वर्ड हो जाता है. बिकॉज यहाँ पे बेटा कर्वर्ड नेचर आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको साइज इन लेंथ में साइज का डिफरेंस मिलेगा. तो इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं, इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है. देखिए ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एक्सेप्ट शाइजोस्टोमा आपको प्लेट हेलमेंथा में देखने को नहीं मिलता था, वहां पे मेल एंड फीमेल एक ही होता था. क्लियर है ना? चलिए, तो प्रीवियस स्लाइड में आपने इंपॉर्टेंट याद रखा बेटा, बॉडी वॉल के तीन लेयर्स होते हैं, क्यूटिकल, एपिडर्मिस एंड मस्कुलर लेयर. एपिडर्मिस सिंसाइशियल है एंड मस्कुलर लेयर में खाली एक मसल पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम लॉन्गिट्यूडिनल मसल बोलते हैं. एंड क्यूटिकल बनाए कोलेजन, मैट्रसिन से एंड केराटिन से. दूसरा आपने याद रखा, सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, थ्री लिविंग फॉर्म्स में, एंड दो प्रकार के होते हैं पैरासिटिक फॉर्म्स में. थ्री लिविंग फॉर्म में होगा ओसेलाई, एम्फिड एंड फेजमेट. पैरासिटिक में होगा एम्फिड्स एंड फेजमेट्स. एम्फिड्स जो होते हैं वो लिप्स पे पाए जाते हैं एंड टेस्ट के लिए यूज किए जाते हैं. एंड फेजमेट जो होते हैं वो एनस के पास पाए जाते हैं और मेटिंग के लिए यूज किए जाते हैं. नर्वस सिस्टम के बारे में आपने याद रखा, सर्कमफेरेंशियल रिंग, टू लॉन्गिट्यूडिनल नर्व, टू नर्व कॉर्ड्स, वन ऑन द वेंट्रल साइड, वन ऑन द डॉर्सल साइड एंड टू लैटरल नर्व कॉर्ड्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन साइड्स, ठीक है ना. मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं, मेल का लेंथ कम होता है, फीमेल का लेंथ ज्यादा होता है. मेल का पोस्टीरियर एंड मतलब लास्ट वाला एंड कर्वर्ड होता है, लेकिन फीमेल का कर्वर्ड नहीं होता, उसका स्ट्रेट होता है, ठीक है ना. तो इन्हीं चीजों को हम यहाँ पे देख लेते हैं इस डायग्राम में एक बार दोबारा से. तो ये जो फर्स्ट डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है, ये ए वाला जो दिखाई दे रहा है, दिस इज एम्फेड, ठीक है ना. हमने अभी पढ़ा था ना एम्फेड एंड फेजमेंट, तो ये एम्फेड होता है बेटा जो कहाँ पे मिलेगा, जो आपको माउथ के अंदर मिलेगा या माउथ के पास मिलेगा, ठीक है ना. ये जो आप लास्ट वाला डायग्राम दिखाई दे रहे बेटा, दिस इज द लास्ट डायग्राम जो आपको फोकस करना है अभी. ये बीच वाला आप छोड़ देंगे बेटा, इसको हम नहीं देखेंगे, हमको बस एम्फिड एंड फेजमेंट देखना है. तो ये डायग्राम रिप्रेजेंट करता है बेटा एम्फिड को जो माउथ में मिलेगा, और ये रिप्रेजेंट करता है बेटा फेजमेंट को जो एनएस के. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, ये डॉट्स जो दिखाई दे रहे हैं दे आर फेजमेंट्स, दे आर यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, जो किसके पास मिलते हैं, जो एनएस के पास मिलते हैं, ठीक है ना. ये है टेस्ट के लिए, दिस इज फॉर टेस्ट एंड दिस इज फॉर रिप्रोडक्शन बेटा. क्लियर है? तो बाकी आप साइड वाले भूल जाए बेटा, ये आपके लिए अभी है नहीं. अब इधर आते हैं बेटा, आप देख सकते हैं दिस इज द मेल, तो ये मेल का डायग्राम स्ट्रक्चर बना हुआ बेटा, ठीक है. एंड ये फीमेल का बना हुआ, दिस इज फीमेल, सॉरी दिस इज फीमेल, दिस लार्जर वन इज फीमेल एंड दिस स्मॉलर वन इज मेल बेटा. तो आप देखो मेल का लास्ट वाला एंड कैसा हो गया, कर्वर्ड हो गया. तो यहाँ पे देख सकते हैं कर्वर्ड एंड है बेटा, लेकिन फीमेल का कैसा है बेटा, एकदम स्ट्रेट है, इसमें कोई कर्व वर्व नहीं दिखाई दे रहा है. ये फीचर है बेटा, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, ये दोनों अलग अलग डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, दोनों अलग अलग डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं. दैट मीन्स क्या है, दैट मीन्स सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिल रहा है. क्लियर है ना? तो ये भी आप याद रखेंगे बेटा. चलिए, तो हमने अभी तक याद रखा बेटा इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने फिनिश करी है बेटा. तो हमने शुरू किया था, बिकॉज इसमें इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ तक ही है, हमने शुरू किया था बेटा राउंड वर्म क्यों बोला जाता है. टर्म निमेटल में था, ग्रोबर ने दिया था. एस्केल में था, गेगनबोर ने दिया था. राउंड वर्म इनको बोलते हैं बिकॉज क्रॉस सेक्शन में ये राउंड होती है. फ्री लिविंग होती है, एक्वेटिक होती है, टेरेस्ट्रियल होती है, पैरासिटिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों में होता है. एक्सेप्शन आपने याद रखा था डेस्मोसुकोलेक्स एंड रैबिडाइट्स. राउंड वर्म के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, सूडो सिलोमेट्स होती है, सूडो सिलोमिक फ्लूइड या जिसको हम हाइड्रोलिम बोलते हैं वो प्रेजेंट पाया जाता है. डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, एक्सक्रीशन बेटा एक्सक्रेटरी पोर के थ्रू होता है. मोस्टली अमोनोटेलिक होती है, लेकिन कुछ यूरोटेलिक भी पाए जाते हैं. सूडोसोलोमिक सर्कुलेशन होता है. क्यूटिकल, एपिडर्मिस एंड मस्कुलर लेयर्स पाई जाती है. और क्यूटिकल किसका बना है अभी हमने देखा, मस्कुलर लेयर में कौन सी प्रेजेंट है वो भी हमने देखा. एम्फिड फेजमेंट्स क्या होते हैं वो भी देख लिया. सर्कमफेरेंशियल रिंग, डॉर्सल वेंट्रल नर्व कॉर्ड क्या होता है वो भी देख लिया. मेल एंड फीमेल अलग अलग है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है वो भी देख लिया. फीमेल लॉन्ग है, मेल शॉर्ट है, फीमेल स्ट्रेट है, मेल कर्वड है वो भी हमने देख लिया. एंड कर्वड नेचर क्यों होता है, बिकॉज वहां पे पिनाइल स्पाइक्यूल पाया जाता है. एंड फर्टिलाइजेशन जो होगा बेटा वो इनका इंटरनल होता है, ठीक है ना. डेवलपमेंट कॉमनली डायरेक्ट होती है एक्सेप्ट ड्रैकेनक्यूलस, ट्राइचनेला एंड लोवा लोवा, उनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट जो होती है वो इनडायरेक्ट होती है.
चलिए देखेंगे और क्या रह गया इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, द पोस्टर एंड ऑफ मेल इज कर्वड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉपुलेटरी ऑर्गन कॉल्ड पेनाइल सबाइक्यूल। ठीक है, क्यों कर्वड था वो? बिकॉज वहां पे कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है जिसको हम पेनाइल सबाइक्यूल बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है बेटा एक्सेप्ट ड्रेकेन्क्यूलस ट्राइचनेला एंड लोवा लोवा। एग्जाम्पल्स याद रखिए, एनसीआरटी वाली एग्जाम्पल जो बेटा याद रखेंगे, एस्केरिस, एस्केरिस को हम राउंड वर्म बोलते हैं और इचिंग वर्म बोलते हैं। पकेरिया, इसको हम फ्लेरियल वर्म बोलते हैं। एनकाइलोस्टोमा, इसको हम हुक वर्म बोलते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं बेटा, ह्यूमंस आर द होस्ट ऑफ मोर देन 50 स्पीशीज ऑफ एस्केरिस एंड एंट्रोबियस वर्मिक्यूल, जिसको हम पिन वर्म भी बोलते हैं, कॉजिंग सीरियस डिजीज बेटा। तो यहाँ पे तीन डायग्राम दी गई है आपको। तो फर्स्ट डायग्राम जो है बेटा, ये रिप्रेजेंट, ये एस्केरिस का डायग्राम है। दिस इज द डायग्राम ऑफ एस्केरिस शोइंग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बिटवीन मेल एंड फीमेल। ये जो आपको बेटा ये वाला डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये ट्रांसपेरेंट इंडिविजुअल होता है बेटा, ट्रांसपेरेंट लिमेट हेलमेंथा होता है, इसको हम बोलते हैं वोकेरिया और फ्लेरियल वर्म बोलते हैं। एंड फाइनली जो लास्ट डायग्राम दिखाई दे रहा है वो एनकाइलोस्टोमा है और हुक वर्म होता है। ठीक है ना, तो ये तीनों डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, तीनों एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है बेटा। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेट हेलमेंथा की तरफ। ठीक है ना, हमने जब लास्ट क्लास में बेटा निमेट हेलमेंथा पढ़ा था, और निमेट हेलमेंथा की क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा था, तीन क्लासेस होते थे, टर्बुलेरिया जो मोस्टली फ्री लिविंग होते थे, एग्जाम्पल दिदेशिया, बाइपेलियम एंड नोटोप्लाना था, ट्रमेटोडा जो कॉमनली फ्लूक्स कहलाते थे जो मोस्टली पैरासाइट्स होते थे बोथ एंडो एंड एक्सो, उनको हम ट्रमेटोडा बोलते थे, एग्जाम्पल हमने फैसिकोला बोला था वहां पे, एंड सिस्टोडा जिनको हम टेपवर्म्स बोलते हैं जो एक्सक्लूसिवली क्या होते थे, एंडो पैरासाइट्स होते थे। ठीक है, सेम हम आज क्लासिफिकेशन यहाँ पे भी देखेंगे। तो यहाँ पे जिन इंडिविजुअल्स को हमने क्लासिफाई किया है वो क्लासिफाई किया बेटा ऑन द बेसिस, तो ये एग्जाम के लिए ना इम्पोर्टेंट होता है, ऑन द बेसिस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ये कॉमनली पूछा जाता है, ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स, ऑन द बेस ऑफ कॉडल ग्लैंड्स, ऑन द बेस ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो ऑन दीज बेसिस हमने दो क्लासेस करे हैं बेटा प्लेट हेलमेंथा के, एक को हम बोलते हैं क्लास फैजमेडा, दूसरे को हम बोलते हैं क्लास ए फैजमेडा। तो आप डेफिनेशन से पता कर सकते हैं, फैजमेडा मतलब जिनमें फैजमेड होगा, फैजमेड मतलब जिनके अंदर ये सेंस ऑर्गन होगा, ए फैजमेडा इनके अंदर सेंस ऑर्गन फैजमेड नहीं होता है। ठीक है ना, अब ये याद रखना बेटा, ये किसी बुक के अंदर नहीं लिखा है लेकिन याद रखना है, फैजमेडा को हम बेटा सेरेंटीना भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम बेटा एडिनोफोरिया भी बोलते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फैजमेडा का और एक नाम है बेटा क्या, सेरेंटीना, और इनका दूसरा नाम क्या है बेटा, एडिनोफोरिया। ठीक है, या फैजमेडा का और एक नाम होता है बेटा रैबिडाइटिया, और इनका नाम होता है बेटा एनोप्लिया। ठीक है ना, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन है बेटा किसका, क्लासिफिकेशन ऑफ निमेट हेलमेंट्स। ठीक है, तो निमेट हेलमेंट्स के दो क्लास होते हैं, फैजमेडा एफ फैजमेडा, और ये बाकी इनके और एक नाम है जो आप एग्जाम के लिए कभी कभी ये पूछा जाता है टफ क्वेश्चन, तो ये दूसरे नाम भी दिए जाएंगे, तो ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे। चलिए अभी हम देखते हैं बेटा कि फैजमेडा का करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है और ए फैजमेडा का करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। ठीक है, फैजमेडा को हम रैबिडाइटिया भी बोलते हैं, ए फैजमेडा को हम एनोप्लिया भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप बाद में लिख सकते हैं फैजमेडा ए फैजमेडा, वन एंड द सेम थिंग है। फैजमेडा जो होते हैं ये मोस्टली पैरासाइट्स होते हैं, ए फैजमेडा मोस्टली स्मॉल एंड फ्री लिविंग होते हैं। फैजमेडा के पास फैजमिड्स एंड एम्फिड्स दोनों सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ए फैजमेडा के पास फैजमिड्स नहीं होते हैं, एम्फिड स्पाइरल और कॉर्ड लाइक होते हैं। ये बेटा कॉर्ड लाइक है, यहाँ पे ये ठीक कर देना प्लीज। तो इनके अंदर बेटा ए फैजमेडा के अंदर फैजमिड्स नहीं होते लेकिन एम्फिड्स होंगे, और एम्फिड स्पाइरल और कॉर्ड लाइक होते हैं। फैजमेडा के पास एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है विद पेयर्ड कैनल्स, इनमें बेटा नो लैटरल एक्सक्रेटरी कैनल होता है। कॉडल ग्लैंड्स एब्सेंट है फैजमेडा के अंदर, कॉडल ग्लैंड्स प्रेजेंट है ए फैजमेडा के अंदर। एग्जांपल्स आप यहां से पढ़ सकते हैं, फैजमेडा का एग्जांपल एस्केरिस, एंटेरोबियस, एनकाइलोस्टोमा, वोकेरिया, ट्राइचोरिस, रैबिडाइटिस, निकेटर अमेरिकाइनस एंड गनेथोस्टोमा। इनका एग्जाम्पल है एनोप्लस, डॉरलेमस, मेरिसमिस, मोनोहेस्टेरा एंड डेस्मोस्पोलेक्स बेटा। तो एग्जाम्पल्स प्लीज याद रखिएगा, एग्जाम के लिए एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, कॉमनली एग्जाम्पल्स पूछी जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब आते हैं एस्केरिस की तरफ। एस्केरिस का क्वेश्चन कॉमन टाइप में आपको बेटा बुक्स के अंदर मिलेगा कि लाइफ साइकिल में एस्केरिस कहाँ कहाँ से बॉडी में मूव करता है। तो आपको बेटा ये टेबल याद रखना पड़ेगा, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है बेटा। तो कहाँ कहाँ से मूव करता है एस्केरिस वो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे
अडल्ट एस्केर्स आपकी बॉडी में मिलेगा, इनसाइड स्टोमिक सॉरी इनसाइड इंटेस्टाइन्स मिलेगा। ये यहाँ पे आप इंटेस्टाइनल में देख सकते हैं, ये एस्केरिस से भरा हुआ इंटेस्टाइन है, ठीक है ना। तो ये अडल्ट्स हो गए जो आपके इंटेस्टाइन के अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो याद रखना अडल्ट्स कहाँ पे होते हैं, अडल्ट्स आपके इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं। अब इंटेस्टाइन के अंदर जो अडल्ट्स होते हैं ये फर्टिलाइज्ड एग्स डालते हैं, मतलब इनसे एग निकलेंगे, फर्टिलाइज्ड एग्स निकलेंगे। मेल एंड फीमेल ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर दिया, फीमेल के अंदर एग्स डेवलप हो गए तो ये फर्टिलाइज्ड एग्स रिलीज करते हैं। फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो लार्वा डेवलप करता है इन एग शेल, मतलब एग के अंदर ही बेटा वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो मोल्ट करेगा ट्वाइस, मोल्ट का मतलब होता है दो बार चेंज करेगा। ये एग्जाम्पल याद रखना बेटा, पहले दो बार हो गई बिफोर कमिंग आउट, बिफोर गोइंग इनसाइड द बॉडी। तो ये जो बॉडी से बाहर एक्सक्रीटरी मटेरियल से बाहर आया था तो इसने फर्टिलाइज कर दिया, एंड फर्टिलाइज करने के बाद इसने दो बार मोल्ट किया। दो बार मोल्ट करने के बाद अगर आपने कॉन्टेमिनेटेड खाना खा लिया तो ये कॉन्टेमिनेटेड खाने से आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगा। बॉडी के अंदर आती है बेटा ये आपके स्टोमिक में पहुंचेगा, फिर इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, और इंटेस्टाइन के अंदर क्या करेगा, ये ज्वाइन हैचिंग करेगा। तो मतलब एग से बेटा अब क्या हो रहा है, हैचिंग हो रहा था, ज्वाइनल हैच हो जाएगा। जैसे ही हैच हो जाएगा तो फिर आपके इंटेस्टाइन के वॉल को पियर्स करके कहाँ पे चला जाएगा, आपकी वीन्स के, मतलब आपकी स्टोमिक की वीन्स के अंदर, जिनको मेसेंटेरिक वीन्स बोलते हैं, वहां पे चला जाएगा। वीन से कहाँ पहुंचता है बेटा, हेपेटिक पोर्टल वीन से, वीन से चला गया हेपेटिक पोर्टल वीन में और पहुंचेगा सबसे पहले कहाँ पे, लिवर में, और लिंगर से निकलेगा और पहुंचेगा लंग्स में। लंग्स के अंदर ये दोबारा से तीन बार मोल्ट करेगा, ठीक है ना। तो एक मोल्टिंग, दो मोल्टिंग तो हो गई पहले और ये तीन मोल्टिंग हो गई, तो हो गई पांच मोल्टिंग्स टोटल अभी तक। फिर लंग के अंदर ये ब्रोंकियोल से जाएगा, ब्रोंकस में जाएगा, ट्राइकिया में जाएगा, ग्लॉटिस में जाएगा, ग्लॉटिस से निकल के वापस ईसोफेगस में आएगा। ईसोफेगस से बेटा ये एक्सक्रीटरी मटेरियल से बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ईसोफेगस के अंदर बेटा ये दोबारा मोल्ट करेगा, फोर्थ मोल्टिंग हो गई, सिक्स मोल्टिंग्स, ठीक है ना। ग्रो इनटू द एडल्ट्स, फिर एडल्ट्स में जाएगी। और ये नेचर में कैसा होता है, ये मोनोजेनेटिक होता है, मतलब इसका एक ही होस्ट है, वो हम है और कोई इसका होस्ट नहीं है, ठीक है। तो प्लीज इसमें आपको इम्पोर्टेंट अब याद क्या रखना है, इम्पोर्टेंट याद रखना है कि पाथवे ऑफ एस्केरिस क्या होता है। आपको पूछा जाएगा कौन से ऑर्गन से ये नहीं जाता है, कौन से ऑर्गन से जाता है, तो आपको याद रखना ऑर्गन कौन कौन सा है इंपॉर्टेंटली। तो आप तो याद रखेंगे बेटा ऑर्गन के अंदर सबसे पहले इंटेस्टाइन याद रखेंगे, इंटेस्टाइन में जाएगा ये, मेसेंट्रिक आर्टरीज में जाएगा ये, लिवर एंड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में जाएगा, लंग्स में जाएगा, ठीक है ना, और लंग्स के जो पार्ट्स होते हैं उन सब में, एंड ईसोफेगस के अंदर जाएगा। ईसोफेगस में जाएगा तो ऑटोमेटिकली स्टोमिक में भी जाएगा, तो दैट मीन्स हार्ट के अंदर ये नहीं जाता है, किडनीज के अंदर ये नहीं जाता है, ब्रेन के अंदर ये नहीं जाता है, उन ऑर्गन्स में नहीं जाएगा। लेकिन इन ऑर्गन्स को जो यहाँ पे लिखे हैं इनको आपको याद रखना पड़ेगा, ये एग्जाम में पूछे जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये दोबारा से सेम चीज है बेटा, कहाँ कहाँ जाता है। तो आप देख सकते हैं आपने इसको जैसे खा लिया, कॉन्टेमिनेटेड फूड या वाटर के साथ आपकी बॉडी में आया, ईसोफेगस को क्रॉस करके आपके स्टोमिक में पहुंचा, स्टोमिक से इंटेस्टाइन को क्रॉस कर लिया, फिर लिवर में चला गया, लिवर से बेटा हार्ट, हार्ट से बेटा लंग्स, लंग्स से बेटा वापस दोबारा स्टोमिक में, ऐसे ही साइकिल को कंप्लीट करेगा। चलिए वोकेरिया ब्रोंकक्राफ्ट है, ये नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा, इसको फ्लेरियल वर्म बोलते हैं। ये डायजेनेटिक होता है, डायजेनेटिक मतलब इसके दो होस्ट होते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट मॉस्किटो होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पल, जिसको हम क्यूलेक्स और एडीज मॉस्किटो बोलते हैं। डेफिनेटिव होस्ट बेटा ह्यूमन बींग्स होते हैं, जहां पे इन्फेक्शन करता है, और इसकी वजह से जो बीमारी होती है जिसको हम एलिफेंटेसिस बोलते हैं, लिम्फोडर्मा बोलते हैं, और वोकेरियासिस बोलते हैं। तो ये इसका लाइफ साइकिल दिया है, जो आपको लाइफ साइकिल याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि वोकेरिया की वजह से क्या होती है, एलिफेंटेसिस और लिम्फोडर्मा होता है, जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है, जहाँ पे लिम्फ नोड्स क्या हो जाते हैं, इन्फ्लेट हो जाते हैं, फूल जाते हैं। यहाँ पे आप साइड में डायग्राम में देख सकते हैं पूरा फूला हुआ पैर दिखाई दे रही है, क्यों है, बिकॉज बॉडी के लिम्फ नोड्स क्या हो गए बेटा, इन्फ्लेट हो गए। कौन कराता है ये, वोकेरिया ब्रोंकक्राफ्ट कराता है। चले अब आते हैं एनसीईआरटी की तरफ, कि हमारी एनसीईआरटी ने क्या लिखा है इस फाइलम के बारे में, कहीं हमने कुछ छोड़ तो नहीं दिया। द बॉडी ऑफ एस्केलमेंट इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, हेंस द नेम राउंड वर्म्स, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। दे मे बी फ्री लिविंग एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑलरेडी पढ़ लिया बच्चा। राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सूडो सोलोमेट एनिमल्स, ऑलरेडी फिनिश कर दिया। एलिमेंट्री कैनल इज कम्प्लीट विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, देखो हाईलाइट कर दिया बेटा एनसीईआरटी ने, दैट मीन्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्लैट हेलमेंट अगर फेरिंग्स वेल डेवलप्ड नहीं होता, इनमें वेल डेवलप्ड फेरिंग्स होता है। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर,
एक्सक्रीटरी ट्यूब मतलब बेटा जो इनके अंदर हमने पढ़ा था भी नेफ्रिटरी पोर होता है उससे बड़ा एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर आता है। सेक्स इज सेपरेट होते हैं मतलब डायोशियस होते हैं, मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट अलग अलग होते हैं, ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दो बोली थी बेटा जिनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है वो आपको याद रखना है, एग्जाम्पल्स एस्केरिस वोकेरिया एंड एनकेलोस्टोम। ठीक है, तो ये ओवरऑल एनसीईआरटी ने इतना ही लिखा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखा है, तो आप ये भी याद रखेंगे और बाकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो भी याद रखेंगे। चलिए अब फाइनली आते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लेट हेलमेंट्स एंड निमेट हेलमेंट्स के ऊपर, ताकि आपको थोड़ा आउटलाइन मिल जाए। प्लेट हेलमेंट्स द फाइलम ऑफ वर्म्स हैविंग बायलैटरल सिमेट्री एंड ए सॉफ्ट यूजुअली फ्लैटनड बॉडी कंप्राइजिंग द फ्लैट वर्म्स। तो मतलब जिनमें बायलैटरल सिमेट्री होगा, जो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटनड होते हैं वो फ्लैट वर्म्स होते हैं। इनवर्टिब्रेट एनिमल बिलोंगिंग टू ए ग्रुप ऑफ फाइला दैट आर डिस्टिंग्विश्ड बाय लेक ऑफ वेल डेवलप्ड सीलोम एंड ब्लड वेसल्स। मतलब यहाँ पे सूडो सीलोम होगा एंड ब्लड वेसल्स नहीं होगा, और ये तो एसिलोमेट्स होते थे। लेक ऑफ सीलोम दे आर एसिलोमेट्स, दे आर सीलोमेट्स। इनके अंदर ऑर्गन लेवल होता है, इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, इनके अंदर कोई कवर नहीं होता बॉडी में एक्सेप्ट जो पैरासिटिक फॉर्म्स होती है जिनमें इंटिगमेंट होता है, लेकिन इनके अंदर क्यूटिकल का कवर पाया जाता है। इनकी बॉडी फ्लैट है, इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल है। इनको हम फ्लैट वर्म्स बोलते हैं, इनको हम राउंड वर्म्स बोलते हैं। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कम्प्लीट होता है। इनमें फ्लेम सेल्स होती है, इनमें एच शेप्ड एक्सक्रीटरी ट्यूब्स होते हैं, ये मोस्टली हर्मोफ्रोडाइट्स होते हैं, ये डायोशियस होते हैं। ठीक है, डायोशियस को हम गोनोकोरेस्टिक भी बोलते हैं। मूव बाय कॉन्ट्रैक्टिंग देयर सर्कुलर एंड लॉन्ग टर्म मसल्स अल्टरनेटली। इनमें बेटा कोई ऐसा डिफरेंट टाइप ऑफ मसल नहीं होता है, तो इनको बेटा साइड में बेंडिंग करना पड़ता है बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म मसल्स। इनका लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स है, मोस्ट प्रेडिक्टेबल लाइफ साइकिल बेटा निमेट हेलमेंट्स का होता है। तो ये डिफरेंसेस है बेटा प्लेट हेलमेंट्स एंड निमेट हेलमेंट्स के बीच में, ये आप याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ आपका बेटा निमेट हेलमेंट्स खत्म हो जाता है, तो नेक्स्ट पार्ट जो हम पढ़ेंगे बेटा इंशाल्लाह वो होगा एनालिट्स। ठीक है ना, और हम देखेंगे एनालिट्स के क्या क्या करेक्टर्स होते हैं, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। तो हम बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आएंगे विद नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द सेम चैप्टर बेटा। ठीक है ना, टिल देन थैंक यू एंड खुदा हाफिज़ बेटा।